नए साल के पहले ही दिन कांग्रेस का उपवास, मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर दिया धरना। नए साल पर पुलिस विभाग में प्रमोशन, आईजी से एडीजी हुए अमित कुमार, वी मुरुगेशन और संजय गुंजियाल, तो दो महिला अधिकारी भी बनी डीआईजी। नौ जनवरी को लखनऊ में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी, डिफेंस एक्सपो मैदान में होगी रैली, रैली में 5 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी। गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज, पश्चिम और पूर्वांचल से 10,000 से ज्यादा बसों से लोगों को रैली में लाया जाएगा। 3 जनवरी को लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, अवध क्षेत्र की जनविश्वास यात्रा का होगा समापन। आईआईएम रोड पर जॉगर्स पार्क के सामने होगी रैली, रैली को सफल बनाने में जुटे पार्टी नेता और कार्यकर्ता। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार के डॉक्टर अनूप जैन के घर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। टीम ने आनंदपुरी में अनूप जैन के 2 मकान किए सील, दोनों घरों में जूही थाने की पुलिस तैनात। अतीक अहमद पर एक और केस दर्ज, अतीक के बेटे अली अतीक और 15 लोगों पर भी केस दर्ज। अतीक के रिश्तेदार जीशान ने करेली थाने में दर्ज कराया मामला, जबरन जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा, नया साल सबको अमन चैन खुशहाली दे। जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मची, इस हादसे में 12 श्रद्धालुओं की जान गई, कई लोग घायल, यूपी के 4 श्रद्धालुओं ने जान गंवाई। घटना की सूचना मिलते ही रात और बचाव कार्य शुरू किया गया, स्थानीय प्रशासन की तरफ से लगभग 12 से 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू, घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, रात के करीब 2:30 बजे भारी भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की हुई और अचानक यह हादसा हुआ। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुए हादसे में मुआवजे का ऐलान, हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। माता वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित, जम्मू और कश्मीर के प्रधान सचिव गृह की अगुवाई में होगी जांच। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया, मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता वैष्णो देवी धाम में हुए हादसे पर जताया शोक, ट्वीट कर घायलों के जल्द ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई घटना पर गहरा दुख जताया, मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने से बात की, कहा प्रशासन घायलों को इलाज पहुंचाने के लिए काम कर रहा है।